नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। रविवार शाम मोदी समेत कुल 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी सामने आ गई है। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने कहा कि कम से कम हमें भी एक कैबिनेट मंत्री पद चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर सवाल उठते हुए बारने ने कहा कि 4 से 5 सीट जीत कर आने वाली पार्टी को कैबिनेट दिया गया है। महाराष्ट्र में हमने तो 7 सीटें जीती हैं, ऐसे में कम से कम हमें भी एक कैबिनेट तो मिलना ही चाहिए। बारने पुणे की मावल लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है, ऐसे में हमें भी कैबिनेट मिलना चाहिए था। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। जाधव शिंदे गुट से इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। जाधव महाराष्ट्र की बुरडाला लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। जाधव के लिए ये चौथा मौका है जब वो बुरडाला की सीट से सांसद चुने गए हैं। जाधव ने अपनी राजनीति की शुरुआत सरपंच से शुरू की थी और अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग पर जोर देते हुए राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान की ओर से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, ऐसे में राज्य मंत्री का पद उनके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने 7 चुनाव लड़ा है। चुनाव में तीनों ही पार्टियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बीजेपी को 9 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में 7 सीटें आई हैं। वहीं अजीत पवार की गुट की एनसीपी मात्र 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। दूसरी ओर कांग्रेस 13 सीटों पर जीती है, जबकि उसकी गठबंधन में उनके सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की झोली में 9 सीटें आई हैं।